जिला बार एसोसिएशन के सदस्य व रोहतक के वकील शिवराज मलिक ने सीएम विंडो की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। मैना पर्यटन केंद्र में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई शिकायतों का उदाहरण दिया जिसके बारे में सीएम विंडो पर शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खासतौर पर एडवोकेट मलिक ने बहादुरगढ़ से जुड़ी एक शिकायत पर हवाला दिया। इस मामले में एक सीनियर आईएएस अधिकारी की भूमिका को सवालों के घेरे में लिया। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। जो प्रेस वार्ता मैं कर रहा हूँ, इसका विषय ये है कि हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्टर जो विंडो बनाई गई है, ये बड़े पंप एंड शो से लॉन्च करी गई थी और सरकार की वेबसाइट क्लेम करती है कि हम 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेंगे और 30 दिन के अंदर अंदर समाधान करके आपको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। लेकिन हाल ये है कि दो दो तीन तीन महीने सीएम विंडो सीएम ग्रीवेंसी सेल में ही पड़ी रहती है, कंसर्न डिपार्टमेंट में जाती ही नहीं। और मजाक तो यहाँ तक कर रखा है कि सीएम विंडो मान लो किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की है तो उसको बिजली महकमे में भेज देते हैं। अगर हम रिमाइंडर लगाते हैं दोबारा तो उसको बींग रिमाइंडर करके डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। एक हमारी सीएम विंडो थी फैमिली, एक फ्रॉडलेंट फैमिली आईडी क्रिएट करने के लिए, उसको हायर एजुकेशन में भेज दिया, हायर एजुकेशन की बिजली विभाग में भेज दी। रिमाइंडर भेजते हैं तो उनको कह देते हैं कि ये तो रिमाइंडर है, आपकी समस्या का पहले ही समाधान कर दिया गया है। एक शिकायत थी गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ की, उसमें जो उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट अपलोड करी वो गवर्नमेंट कॉलेज कहीं अम्बाड़ा की अपलोड कर दी और स्टेटस दिखाता है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिटेड। तो मतलब एक सीएम विंडो तो एक मजाक बन के रह गया है। जिन आदमियों के खिलाफ हमारी शिकायतें हैं उसमें प्रमुख है एक प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ में, उसका नाम है अंकिता। वो कनाडा की परमानेंट रेजिडेंट है, हमने उसके परमानेंट रेजिडेंट के कार्ड, कनाडा के ड्राइविंग लाइसेंस, सारे कागज लगा के सरकार को कंप्लेंट करी। सरकार ने इंक्वायरी करवाई, इंक्वायरी ये करने की बजाय कि वो परमानेंट रेजिडेंट है कि नहीं, इंक्वायरी ये कर दी गई